मैं हूँ विशाल शर्मा। ये शुरू करते हैं खबरों का सफर और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं फिल्म मैं हूँ मुलायम से। मैं हूँ फिल्म मैं हूँ मुलायम का ट्रेलर और एक गाना आज लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के रक्षा मंत्री के जीवन पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। 29 जनवरी से ये फिल्म सभी सिनेमाघरों में दिखाई देगी। फिल्म की एक यूनिट ने आकर एक निजी रेस्टोरेंट में फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया है। नगर के ईसन नदी पुल स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए सपा नेता व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बायोपिक मैं मुलायम का ट्रेलर धमाकेदार अंदाज में लॉन्च हुआ है। ट्रेलर को फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर व डॉन सिनेमा के संचालक महमूद अली, फिल्म के मुख्य अभिनेता अमित सेठी, निर्मात्री मीना सेठी मंडल, अभिनेत्री सनामीन सिंह, राइटर राशि दिकवाल की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। MS फिल्म्स एंड प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित इस फिल्म के निर्देशक शुभेंदु राज घोष और स्क्रिप्ट को राशि दिकवाल ने लिखा है। फिल्म को डॉन सिनेमा पूरे विश्व भर में 29 जनवरी को रिलीज करने जा रही है। यह फिल्म मुलायम सिंह के जीवन से जुड़ी हुई रोचक पहलियों के साथ उनके संघर्ष को पेश करने के उद्देश्य से बनाई गई है। फिल्म में मुलायम सिंह यादव की बचपन से लेकर और प्रथम बार मुख्यमंत्री बनने तक का सफर दिखाया गया है और क्या कुछ बताया है फिल्म की यूनिट ने, अब जरा यह भी सुनिए। मुलायम जी को एज ए पॉलिटिशियन सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के पहले जो उनकी जिंदगी है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो मैंने जिसमें पोर्ट्रेट किया है उनकी जवानी से लेकर जो फर्स्ट है वो नेताजी वो CM बनते हैं इस प्रदेश के, वो पूरा जर्नी उन्होंने प्ले किया है। काफ़ी मुश्किलें हुई हैं उन्हें, कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ जैसे वो कुश्ती करते थे, पहलवानी करते थे, उसके लिए मुझे खासतौर पर रोहतक जाके मुझे 3 महीने ट्रेनिंग लेनी पड़ी कुश्ती की, और बाकी तो उनसे पर्सनली मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो जितना कोशिश किया मैंने YouTube में देख के उनका चलने का स्टाइल, हाथ वेव करने का स्टाइल, वो रिसर्च करके बाकी स्क्रिप्ट के ऊपर अपने आप को मैंने तैयार किया है। सबसे अच्छी कौन सी बात आपको? बहुत ही डेयरिंग आदमी थे उनके रोल प्ले करते थे, बहुत ही डेयरिंग आदमी थे, डरते नहीं थे किसी, निडर थे एकदम। कुश्ती में काफी मजा आया करने में, चोटें भी लगी लेकिन काफी मजा आया। तो उनका सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा था, कभी डरते नहीं थे किसी से। वो कोई रोल ऐसा होता है स्पेशली वो कुश्ती का जो है पार्ट, वही मुझे बहुत ऐसा कोई रोल चैलेंजिंग था। ऐसा कोई रोल है जो आपको एक छाप छोड़ जाता है नेताजी? इस मूवी की लास्ट सीन है जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ CM बनने के बाद, प्रदेश के लोगों से मिलने आता हूँ, उसमें राम मनोहर जी की एक डायलॉग है वहाँ पे जो हमेशा बोला करते, जो जिनके फॉलोअर थे, कि जिंदा कौमे 5 साल तक कभी इंतजार नहीं करती। ये बोलते वक्त मेरे अंदर कभी एक अंदर से एक क्या बोलूं, मतलब जोश आ गया था।